दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के लड्डू, जिन्हें बनाने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तोशी राजस्थानी तड़का विद तोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम रख देंगे गैस पर पैन, और पैन में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध, और दूध के तुरंत बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। मैं ये मेजरिंग कप से नाप करके डाल रही हूँ, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। और अब हम इसका मावा तैयार करेंगे, और 1 से 2 मिनट ही लगेंगे ये मावा तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए, मिठाई बनाने के लिए हमारा मावा तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो ये 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। इस मिठाई को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पनीर ही यूज़ करना है, आप घर में कभी दूध फट जाए या फिर घर में दूध फाड़ कर उसका पनीर बनाकर भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये मावा और पनीर अच्छे से मिक्स हो गया, और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची। तो ये इलायची का भी मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है, सिर्फ इलायची के दाने निकाले और हल्का सा कूट करके मैंने इसमें डाल दिया। उससे क्या है कि इलायची का इसमें एक अलग सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत टेस्टी लगेगा। गैस इस समय पर हमने ऑफ कर दी है, और ऑफ करने के बाद भी हम इसे करीब 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें इसे ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया, और अब मैं इसे चम्मच से हल्का हल्का मैश कर रही हूँ। बिल्कुल चिकना नहीं करना है हमें इसे, बस हल्का हल्का मैश करना है ताकि इसके लड्डू आसानी से बनने में आ जाएं। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर। तो ये मैंने चीनी को पीस करके इसमें डाला है। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो मावा है ये अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गर्म मावे में शुगर मिक्स करेंगे तो शुगर पिघल जाएगी और हमारे लड्डू जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे हाथों से मैश कर रही हूँ ताकि इसमें जो हमने शुगर ऐड करी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस समय भी हमें इसे बिल्कुल चिकना नहीं करना है, इसमें हल्का हल्का दाना रहना चाहिए। बस ये है कि लड्डू हमारे आसानी से बनने में आ जाए और शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें 1/4 कप शुगर डाली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा लड्डू का मिश्रण तैयार है, और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो जब तक मैं लड्डू बना रही हूँ, आपको क्या करना है, मेरी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे क्लिक करना है, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे हिट करना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये लीजिए, हमारे लड्डू तैयार हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रक्षाबंधन आप ये लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।